सो नेक्स्ट टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने इसको मान लिया ये स्टिग्मा है, ठीक है, स्टिग्मा से होता हुआ पॉलिटिक कहाँ आएगा, नीचे की तरफ करेगा, और उस पॉलिटिक में क्या होंगे, फ्रंट में होगा पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस, क्या होगा पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस, पीछे की साइड दो और सेल होंगे, टू मेन गैमेट्स, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस एक गार्ड की तरह काम करता है, एक सोल्जर की तरह काम करता है, और उसके पीछे दो टू मेल गैमेट्स, ठीक है ना, यानी दो राजकुमार आसमें, ओके। और इनको कहां तक पहुंचना है, इस ऐसे अगर मान लो इस स्ट्रक्चर को, इस ओव्यूल तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये पॉलन ट्यूब जो है ऐसे होता हुआ कहां तक आएगा, माइक्रोपाइल रीजन तक, ठीक है। और उससे होते हुए ये दो मेल गैमेट्स, ठीक है, माइक्रोपाइल के एंट्री पोजीशन तक पहुंचेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस राजकुमार का जो गार्ड सेल था, जो सोल्जर था, इसका काम क्या हो जाता है, यहाँ पर खत्म हो जाता है, यानी कि जो पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस है, ठीक है, ये दोनों मेल गैमेट्स को यहाँ तक सुरक्षित पहुंचाता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है, और उसके बाद यहाँ से ये क्या हो जाता है, डीजनरेट कर जाता है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, ये टू मेल गैमेट्स जो कि क्या है, हैप्लॉयड नंबर में होते हैं, एंड और ठीक है, ये दोनों मेल गैमेट्स जो है पॉलन ट्यूब से होता हुआ कहां एंटर करेंगे, इस एम्ब्रियो सैक में एंटर करेंगे। बात समझ में आई, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये मेल दो गैमेट्स जो थे वो एंटर करेंगे किसके थ्रू, साइनर्जिक सेल्स के थ्रू। तो ये साइनर्जिक सेल के थ्रू ऐसे एंटर करेंगे, साइनर्जिक सेल्स ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा, ये दोनों मेल गैमेट्स इस एम्ब्रियो सैक में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। एक मेल गैमेट जो होगा, ठीक है, वो जाकर के एक सेल से फ्यूज करेगा, समझिएगा, एक सेल ऑलरेडी एन है, और जो अभी जो मेल गैमेट्स आया था वो भी क्या है, एन है, तो ये दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे, टू एन बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो मेल गैमेट्स है वो जाकर के किससे फ्यूज करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो ये आकर के इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, ठीक है। और सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करने के बाद, ठीक है, ये क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल या न्यूक्लियस बनाएगा। बात समझ में आई, so first male nuclei going to fuse with the egg cells and form 2N, that is zygote, okay। दूसरी तरफ दूसरा जो male gametes है वो जाकर किससे fuse करेगा, secondary nucleus, ठीक है। और secondary nucleus से fuse होने के बाद then ये क्या बनाएगा, primary endosperm cell या nuclei, primary endosperm nuclei, ठीक है। यानी इस figure में आप देखिए, एक male gametes और एक एग सेल, वन मेल गैमेट्स एंड वन एग सेल, वन मेल गैमेट्स दैट इज हैप्लॉइड इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड वन एग सेल दैट इज आल्सो हैप्लॉइड इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, बोथ आर फ्यूज्ड एंड फॉर्म अ जायगोट, क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक मेल गैमेट्स का एग से फ्यूज होने को हम सिंगैमी या जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगैमी और जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, द कंडीशन इन विच वन फीमेल गैमेट्स इज गोइंग टू बी फ्यूज्ड विद द फीमेल एग एंड फॉर्म अ जायगोट, दिस टाइप ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड सिंगैमी और जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, ओके। बट इन द नेक्स्ट केस, वन मेल गैमेट्स गोइंग टू फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियस, दैट इज आल्सो हैविंग अ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, देन 1n + 2n इक्वल टू 3n, ओके। एंड दिस इज फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्या बनाता है,
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वन मेल गैमेट्स एंड टू एन पोलर न्यूक्लियाई, बोथ आर फ्यूज, दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्यूडो फर्टिलाइजेशन। व्हाट कॉल्ड? स्यूडो फर्टिलाइजेशन और ट्रोफोमिक्सिस, ट्रोफोमिक्सिस और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा, एक न्यूट्रिटिव पार्ट बनाएगा। ठीक है, जिस न्यूट्रिटिव पार्ट को क्या है टेक करके जो प्राइमोर्डियल सेल होगा, प्राइमोर्डियल सेल होगा वो डिवाइड करेगा और डिवाइड करके क्या बनाएगा? प्लीम्यूल और रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ट्रोफोमिक्सिस या स्यूडो फर्टिलाइजेशन नाम से जानते हैं। कहने का मीन्स क्या है? फर्टिलाइजेशन किस केस में होता है? फर्टिलाइजेशन के केस में क्या है? एक नया जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जबकि यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन ना होकर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ पर एक वेजिटेटिव सेल या एंडोस्पर्म ट्यूबुलस का फॉर्मेशन हो रहा है, जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्यूडो फर्टिलाइजेशन। यानी समझिएगा, मेल गैमेट से एग से फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं सिंगलिंग या जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, बट मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करता है तो ऐसे को बोलते हैं स्यूडो फर्टिलाइजेशन, ट्रोफोमिक्सिस या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन है इसको एसजी नवाश्चिन एंड गिरनार्ड, एसजी नवाश्चिन, एसजी नवाश्चिन एंड गिरनार्ड, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो सबसे पहले डिस्कवर किया था एसजी नवाश्चिन एंड गिरनार्ड। ठीक है, अच्छा डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखो एक मेल गैमेट्स जाकर के फ्यूज कर रहा है एग को, जबकि दूसरा मेल गैमेट्स जाकर के फ्यूज कर रहा है पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहां पर टू टाइम फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन को। आप फिर समझ में आ रही है? ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एसजी नवाश्चिन और गिरनार्ड ने इसके बारे में हमें बताया।